तो इस वीडियो में हम देखेंगे हमारी ESP की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस क्या रहती हैं और डिसएडवांटेजेस क्या रहती हैं मेरी ESP की, इलेक्ट्रिकल सबमर्सिबल पंप में हम क्यों यूज़ करते हैं वो। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरी मेन क्या ये ESP की है, ESP की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है, तो सबसे पहली मेरी मेन है कि मेरा फ्लो रेट सबसे ज़्यादा हाई, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल पंप है, सेंट्रीफ्यूगल पंप मेरा मेनली ज़्यादा फ्लो रेट उठाने में यूज़ होता है। तो जो वेल मेरे को ज़्यादा फ्लो रेट देते हैं ना, 200 से 60,000 उनमें मैं ESP यूज़ करता हूँ, जिसमें मेरे को ज़्यादा वॉल्यूम उठाना होता है या लिफ्ट करना होता है मेरा वेल बोर्ड से। ठीक है, उठाना यानी लिफ्ट करना, मेरा क्या वेल बोर्ड से लिफ्ट करना होता है उसमें मैं यूज़ करता हूँ मेरा ESP। तो ये मेरा पहला पॉइंट हो गया, मेनली मेरा फ्लो रेट क्या ज़्यादा, जो कि मेरा 60,000 बैरल पर डे एंड एट अ डेप्थ अप टू 15,000 फीट, और मेरा अच्छी खासी डीप डाउन पे भी मेरा SRP की तरह मेरा ऊपर ऊपर ही नहीं, ESP मेरा डीपर वेल्स में भी यूज़ हो सकता है, बट मेरा टेम्परेचर कंट्रोल में रहना चाहिए उन डीपर वेल में। टेम्परेचर अगर मेरा सही है तो मैं ESP यूज़ कर सकता हूँ, अगर मेरा टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो मेरी मेन प्रॉब्लम होती है जो केबल होती है ना, जो मेरी केबल वो मेल्ट कर जाती है, उसके बाहर की जो कवरिंग वगैरह होती है, तो मेरे को टेम्परेचर का मेन ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो मेन हो गया मेरा, दे कैन बी इकोनॉमिकली डिज़ाइन फॉर बोथ ऑयल एंड वाटर वेल्स एट प्रोडक्शन रेट रेंजिंग 200 to 60,000 बैरल पर डे एंड अडेप्ट अप टू 15,000 फीट। तो पहला मेरे को क्लियर हो गया मेरा पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट है मेरा डेविएटेड वेल्स, अगर मेरा वेल डेविएटेड है ना उसमें भी मैं इसको उतार सकता हूँ, उसमें भी इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। इसमें क्या है, सिंपल मेरा ESP तो उधर है, साथ में मेरी केबल जा रही है, तो इसको मैं अपने इसमें रोड वगैरह तो है नहीं, मेरी मेनली केबल ही है और सारा पंप मेरा क्या है डाउन होल है, सारा पंप असेंबली मेरी डाउन होल है, तो ये मेरी क्रूक्ड और डेविएटेड वेल्स में भी यूज़ कर सकता हूँ। डॉग लेग सीवियरिटी की एक लेस देन 9 degrees per 100 feet, तो मैं मेनली क्रूक्ड एंड डेविएटेड वेल्स में भी अपना ESP यूज़ कर सकता हूँ। ये मेरे को सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट क्या था, इसका सरफेस होता है ना, जो सरफेस जैसे SRP में सरफेस मेरा बहुत ज़्यादा था, सरफेस इक्विपमेंट सरफेस जो मेरी यूनिट थी वो बहुत ज़्यादा थी, वो बहुत बड़ी थी, पर इसका ऊपर क्या है, ऊपर एक बस आपको क्या वायर लेके आनी है, एक कंट्रोल यूनिट रखना है, ट्रांसफार्मर मेरा मेन रहता है, मतलब 3-4 ESP का मेरा एक ही ट्रांसफार्मर रहता है, और एक बस एक कंट्रोल बोर्ड रखना है जो मेरा स्विच बोर्ड रहता है, वो बस एक वायर मेरे नीचे, तो मेरा इसका जो सरफेस फुटप्रिंट है यानी कि जो मेरा सरफेस इक्विपमेंट है ना वो कम रहता है, जिसकी वजह से मैं इसको ऑफशोर में भी यूज़ कर सकता हूँ। कैन बी यूज इन ऑफशोर अर्बन एंड अदर कन्फाइंड एरिया, मेनली याद रखना भाई ऑफशोर में मेनली इसी वजह से यूज़ होता है, क्योंकि इसका मेरा क्या फुटप्रिंट सरफेस यूनिट मेरा बहुत कम रहता है। ठीक है, एंड दे आर रिलेटिवली सिंपल टू ऑपरेट। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट मेरे को कह रहा था कि मेरा सरफेस यूनिट बहुत कम है और ऑफशोर में मेनली यूज़ हो सकता है मेरा, इसलिए SRP इसलिए यूज़ नहीं करते हम ऑफशोर में, क्योंकि किस किस वेल के ऊपर हम क्या लगाएंगे इक्विपमेंट, सरफेस इतना इक्विपमेंट कहाँ कहाँ लगाएंगे, वहाँ तो प्लेटफॉर्म चाहिए होता है ना, तो इसको तो सिंपल एक स्विच बोर्ड चाहिए, स्विच बोर्ड लगा के अपना वायर लेके ESP इंस्टॉल करो, प्रोडक्शन शुरू करो। और ऑफशोर में एक और चीज़, ऑफशोर में मेरी प्रोडक्शन हाई रहती है तो ESP मेरा उस प्रोडक्शन को आसानी से क्या प्रोड्यूस कर सकता है, तब मैं ESP यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो ऑफशोर में मेरी प्रोडक्शन हाई रहती है, और अगर मेरा फ्लूइड ज़्यादा है, सेंट्रीफ्यूगल पंप बेसिकली मेरा फ्लूइड वॉल्यूम क्या ज़्यादा उठाता है, ज़्यादा लिफ्ट करता है, तो लो लिफ्टिंग कॉस्ट मेन ये है पॉइंट इसका, लो लिफ्टिंग कॉस्ट फॉर हाई फ्लूइड वॉल्यूम्स, अगर मेरा हाई फ्लूइड वॉल्यूम है तो लो लिफ्टिंग कॉस्ट यानी कि 60,000 बैरल पर डे ऐसे ही मतलब अच्छे से उठा देगा बिना ज़्यादा कॉस्ट लगाए, कॉस्ट उसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, सेंट्रीफ्यूगल पंप पे आते हैं। ठीक है, तो ये मेरी हुई थी एडवांटेजेस, कितनी मैंने 4 एडवांटेजेस लगवाई है मेन, इसमें बेसिकली मेरा मेन यही है, क्यू मेरा ज़्यादा पिकअप करता है, फ्लो रेट ज़्यादा पिकअप करता है, दूसरा मेरा इसका ऑफशोर में यूज़ हो सकता है क्योंकि मेरी इसकी सरफेस इक्विपमेंट क्या है कम है, डेविएटेड वेल्स में यूज़ हो सकता है, और लो लिफ्टिंग कॉस्ट, ये तो लो लिफ्टिंग कॉस्ट हमने बताना ही है कि एडवांटेजेस है कि मेरा कॉस्ट कम पड़ेगा अगर मेरा हाई वॉल्यूम है उसको लिफ्ट करने में। ठीक है, तो ये थी मेरी एडवांटेजेस, अब देखते हैं मेरी डिसएडवांटेजेस। ठीक है,
तो डिसएडवांटेजेस मेरी कैसे रहती हैं? तो ये हुई मेरी डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या होती है मेरी? डिसएडवांटेजेस मेरी बोल रहा है वो, पहला बोल रहा है कि वो सिंगल जोन कंप्लीशन मेरा। अगर ESP लगाते हैं ना हम, ESP बेसिकली सिंगल जोन कंप्लीशन मेरा, अभी हम कंप्लीशन पढ़ेंगे आगे जाके, उसमें आपको पता लगेगा कंप्लीशन क्या होता है। ये समझ लो कि मान लो मेरा एक वेल है ना, वेल में ये एक पे जोन है और ये मैं एक ट्यूबिंग से ले रहा हूँ, तो इसको मैं सिंगल कंप्लीशन बोलता हूँ, सिंगल जोन कंप्लीशन। ठीक है, एक ट्यूबिंग से ले रहा हूँ। ठीक है, अगर मेरे पे जोन बहुत सारे हैं और मेरे को अलग अलग पे जोन से प्रोडक्शन लेनी है, मतलब मेरे परफोरेशन यहाँ नीचे भी है और ये दोनों अलग अलग हैं, नीचे एक और मेरा वो है, इसको बोलेंगे हम सैंड टाइप है, एक और रिजर्वायर है और यहाँ पे मेरा एक और रिजर्वायर है। अगर दूसरे कलर में दिखाएं तो ये मेरा R1 है और ये मेरा R2 है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं मल्टीपल कंप्लीशन करता हूँ। मल्टीपल कंप्लीशन इन द सेंस, ये मेरी एक ट्यूबिंग आ रही है, इसको यहाँ पे पैकर लगा के बंद कर दूँगा। अब देखो, एक मेरी प्रोडक्शन यहाँ से हो रही है और एक मेरी एंडलेस से हो जाएगी, तो मल्टीपल कंप्लीशन हो रही है, यानी कि मेरी दो जगह से ले रहा हूँ मैं प्रोडक्शन, एक यहाँ से ले रहा हूँ एक यहाँ से ले रहा हूँ। ये कम रहती है बेसिकली मल्टीपल कंप्लीशन, पर होती है, मल्टीपल कंप्लीशन होती है, मतलब दो रिजर्वायर से एक साथ एक ही वेल के थ्रू प्रोडक्शन लेना। ठीक है, तो मल्टीपल कंप्लीशन के अंदर आती है। तो जो ESP होता है ना, ESP बेसिकली सिंगल जोन कंप्लीशन, जैसे एनलस है, इसमें मैं ESP नहीं लगा सकता क्योंकि मेरी यहाँ पे है, समझ रहे हो ना, मेरा ESP इसमें नहीं लग सकता। अगर आप देखोगे कैसे इसमें मल्टीपल कंप्लीशन में मेरा कॉम्प्लेक्स हो जाता है बेसिकली ESP लगाना, अगर इसमें भी लगाओगे तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तब मैं बोलता हूँ कि मेरा लिमिटेड टू सिंगल जोन कंप्लीशन ही है, यानी कि एक जोन कंप्लीशन में अगर मैं एक ही ट्यूबिंग डाल रहा हूँ तो उसी में ही मेरा लिमिटेड है। मैं अगर मल्टीपल जोन कंप्लीशन है एक वेल में, तो उसमें मेरा लगाना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा मेरा ESP, क्यों वो लग नहीं पाएगा, या तो इसमें लगेगा या इसमें लगेगा। इसमें तो फिर भी कैसे लगेगा, इसमें अलग से एक और ट्यूबिंग डालनी पड़ेगी, ड्यूअल ट्यूबिंग, वो हम बेसिकली कंप्लीशंस में देखेंगे। ठीक है, ये कंप्लीशन कैसे कैसे रहता है। ठीक है, बेसिकली आपको ये समझ लो भाई, दो पे जोन रहते हैं मोटा मोटा, अगर मेरे दो पे जोन है, दो रिजर्वायर हैं, तो मैं ESP नहीं लगा सकता। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया डिसएडवांटेजेस का। पहला पॉइंट, मैं मल्टीपल जोन कंप्लीशन में यूज़ नहीं कर सकता। दूसरा, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पावर इज़ रिक्वायर्ड। पावर तो रिक्वायरमेंट, वायर आ रही है, सेंट्रीफ्यूगल पंप चलाना है, उसके लिए मोटर चलानी है, तो मोटर चलाने के लिए मेरे को ये ज़रूरत पड़ती है वोल्ट, तो ये ऑफशोर में मेरे को पावर पहुंचानी पड़ेगी, वहाँ पे ऑफशोर में अगर मैं लगा रहा हूँ तो मेरे को इलेक्ट्रिक पावर चाहिए वहाँ तक, तो इलेक्ट्रिक पावर की ज़रूरत पड़ती है, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पावर ही। ठीक है, ये इसकी एक डिसएडवांटेज हो गई कि ऑफशोर में हम इतनी दूर दूर तक, जहाँ जहाँ पे मेरा आइसोलेटेड एरिया, वहाँ तक मैं कैसे पहुँचाऊँ मैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ तक मेरे को क्या अपने वो लगाने पड़ेंगे, टावर लगाने पड़ेंगे जो ये इलेक्ट्रिसिटी टावर रहते हैं। ठीक है, और पुलिंग, जब मैं ट्यूबिंग पुल आउट करता हूँ, मेरी क्या रहती है, इसके साथ वायर रहती है बेसिकली, ट्यूबिंग के साथ मेरी वायर जाती है, जैसे ये हमने पढ़ा है, ये ट्यूबिंग के साथ मेरी वायर जा रही है। तो मेरा तीसरा पॉइंट बोल रहा है, द प्रेजेंस ऑफ पावर केबल अलॉन्ग साइड द ट्यूबिंग स्ट्रिंग कैन मेक इट मोर डिफिकल्ट टू रन और पुल्स ट्यूबिंग। अब जो ये वायर है ना, जो ये मेरी पंप पे जा रही है, अब अगर मेरे को ये ट्यूबिंग रिट्रीव कर दी है, तो इसके साथ साथ मेरी ये वायर भी निकलेगी, तो मेरे को इसका वायर का अलग से ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कहीं टूट ना जाए, कुछ कट ना जाए, अगर टूट गई तो मेरे नीचे जाके कुछ फंस जाए, तो इस वायर का मेरे को केयर रखनी पड़ती है अलग से। ठीक है, तो ये मेरी थोड़ी डिफ़िकल्टी क्रिएट करती है वाइल मेरा, अगर ट्यूबिंग पुल आउट करना है या रनिंग इन करना है। ठीक है, तो मेरी डिफ़िकल्टी क्रिएट करती है, तो मोर डिफ़िकल्ट टू रन और पुल ट्यूबिंग। ठीक है, ये पॉइंट हो गया मेरा तीसरा पॉइंट, और ये वाला तो मैंने आपको बता ही रखा है, गैस और सॉलिड। अगर गैस आई तो मेरा क्या होगा, गैस आई तो मेरी कैविटेट हो जाएगा पंप, गैस आई तो क्या हो जाएगा, कैविटेट हो जाएगा, उसमें गैस मेरी क्या रहती है, कंप्रेसिबल, जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है
वो वहीं पे घूमता रह जाएगा, वो आगे पुश ही नहीं कर पाएगा, अंदर कैविटेट हो जाएगा। अगर आपको पता हो, अब घरों में भी रहती है ना मोटर, घरों में भी मोटर रहती है, घरों में मोटर रहती है जो हमारी टंकी में पानी चढ़ाती है ना, टंकी में पानी ऊपर भरती है, उसमें भी सेम चीज़ होता है। उसमें अगर आप देखोगे ना, ऐसे मोटर रहती है, इसके ऊपर हम पानी डालते हैं, एक नट टाइप रहता है, खोल के पानी डालते हैं। कहीं वो घर में होगा अगर पता होगा आपको, अगर नहीं पता तो छोड़ो, ठीक है। तो हम पानी डालते हो, बेसिकली हम इसीलिए डालते हैं कि मेरा अगर अंदर गैस है यानी कि हवा है, उसको बाहर निकल जाए, वो बाहर निकल जाए, मेरा अंदर क्या फ्लूइडी फील हो जाए सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर। तो इसीलिए डालते हैं हमारा कि कैविटेट ना ओपन, ये घर में, घर वगैरह में या घर के जो बाहर मोटर वगैरह लगी रहती है तो उसमें डालते हैं अक्सर डालते हैं। और बेसिकली अगर गांव वगैरह में जाओगे तो वहाँ पे भी डालते हैं, किसके उसके पानी डालते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप में, ताकि मेरा वो यहाँ पे रहती है उसमें भी। जैसे ये मेरा पंप हो गया, यहाँ पे लगा रहता है, यहाँ से हम उसमें पानी डालते हैं हमेशा हमेशा। पानी हम पंप चालू करने से पहले, अगर खेतों वगैरह में देखा होगा आपने, वो सबसे पहले पानी डालते हैं पंप के अंदर। वो इसीलिए डालते हैं कि मेरा कैविटेट ना हो और जो भी अंदर हवा वगैरह है वो निकल जाए, क्योंकि अगर कैविटेट हुआ तो पंप ख़राब हो जाएगा आपका, ठीक है। पंप एकदम, जैसे मैंने बताया था कि कैविटेट होने से कैसे कैसे ख़राब हो जाता है, ठीक है। सिस्टम परफॉर्मेंस एनालाइजेशन इज़ डिफ़िकल्ट, क्यों? क्योंकि ये मेरा कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डिलीवर नहीं करता, ये अप डाउन करता रहता है, तो ये मेरा सिस्टम परफॉर्मेंस एनालाइज करने में डिफ़िकल्टी होती है बेसिकली। और मैंने बोला था कि टेम्परेचर वाली कंडीशन, अगर मेरा वेल डीपर जा रहा है डीपर, तो मेरा टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कंट्रोल में रहना चाहिए, वरना क्या होगा, पावर केबल्स में डिट्रॉयड इन हाई टेम्परेचर कंडीशन ऑफ 400 डिग्री फ़ारेनहाइट, दैट इज़ अबाउट 200 डिग्री सेल्सियस, इज़ देयर जनरल अपर लिमिट विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेटिंग टेम्परेचर, वरना मेरी केबल क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये मेरी डिसएडवांटेजेस हुई, मेरी मेन, ठीक है, और भी रहती हैं पर मेरी मेन यही डिसएडवांटेज हुई। अगर आपको बुक में पढ़ रहे हो एडवांटेज डिसएडवांटेज, और आपको एक्स्ट्रा कोई पॉइंट मिलता तो आप नोट्स में लिख लोगे वो भी, ठीक है। मेन जो मेरे को लग रहा था वो मैंने लिखवा दी। तो ये मेरी ESP की क्या हुई, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ख़त्म हुई। तो ESP का मैंने एडवांटेज मेन, इसमें डिसएडवांटेज में यही था कि मेरा हाई वोल्टेज रिक्वायरमेंट, क्योंकि मेरे को दूर दराज के इलाके में मेरे को क्या इलेक्ट्रिसिटी पहुँचानी होती है, और गैस मेरी कैविटेट कर जाती है, ये मेन पॉइंट है, ये मेरा याद रखने वाले पॉइंट है, ठीक है। गैस मेरा क्या कैविटेट कर जाती है। तो इस वीडियो में यही था, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। थैंक यू।